कुछ नहीं है। कौन देगा? मेरा मालिक का मोबाइल देंगे। इन्हीं ने सब पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। क्या हुआ? क्या आप लोग? मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मेरा मोबाइल तोड़ दिया 25,000 रुपए का, मालिक का मोबाइल है। सारे क्या दिक्कत है? अरे फालतू डेली का नाटक है, फालतू है। देखिए कैसे मार रही है, ये मारे जा रहे हैं बिल्कुल। डोंट टच। ये वीडियो देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और बहुत ज्यादा आनंदित महसूस किया। देखिए ये होती है वो मन एम्पावरमेंट, जहां पर एक गरीब आदमी को बिना वजह, वो आदमी चुपचाप अपना काम कर रहा है लेकिन उसको मारा जाएगा पब्लिक के बीचों बीच में, क्योंकि वो आदमी है और आदमी होने की उसे सजा मिलनी चाहिए और यहां पर उसे मिल भी रही है। देखिए कितनी बढ़िया चीज है ना वुमन एम्पावरमेंट। और देखिए इस नारी को कैसे उछल उछल कर थप्पड़ मारे और आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि भाई साहब उसने कुछ भी नहीं किया है, वो एक गरीब आदमी है जो अपना काम कर रहा है लेकिन उसे मारना बहुत जरूरी है यार। अब आप लोगों की तरह मेरा भी ये मन किया ये जानने का यार आखिर में हुआ क्या। जब ये वीडियो जब सामने आई तो ऑब्वियसली ऐसा ही लगता है ना, हमारे जो दिमाग में हमने सेट कर रखा है यार यहां पर जो आदमी ही गलत है, पक्का यहां पर आदमी गलत है क्योंकि इसको थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो यहां पर मेरी भी क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की यार आखिर हुआ क्या, मैटर क्या। जब इसके बारे में सर्च किया तो एक वीडियो जब सामने आई, ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हुआ, तो इसकी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई कि एक्चुअल में हुआ क्या, आप जाकर पहले वो वीडियो देखिए। एक कम अकल लड़की जब ट्रैफिक चल रहा है वहां पर वो रोड क्रॉस कर रही है, मतलब आप इससे इसकी एजुकेशन लेवल का पता लगा सकते हैं, जिसको ये नहीं पता होता कि कब रोड क्रॉस करना है और कब नहीं करना है, वो वहां पर जब ट्रैफिक चल रहा है वहां पर वो रोड क्रॉस कर रही है और फिर एक गाड़ी के आगे आके वो रुक जाती है। इवन वो जो कैब ड्राइवर है वहां पर वो ब्रेक लगाते हैं, वहां पर जितना इस वीडियो को देखकर पता चला है उसने कहीं पर भी टच नहीं किया, लेकिन मोहतरमा को पता नहीं कौन सा ऐसा नशा उसने फूंक रखा था कि बस आओ देखा ना ताओ देखा उसकी गाड़ी पर, मतलब वहां पर उसे फोड़ लग गई और इस ड्राइवर को बाहर निकाला और इसको मारना शुरू कर दिया। वो तो पेशेंस देखिए इस ड्राइवर का, इनका नाम है सादत अली। इन्होंने इवन मतलब ये बंदा चुपचाप खड़ा है यार, पेशेंस लेवल की भी यहां पर देखने वाली हद होती है, कुछ नहीं कर रहा, इतने उसने थप्पड़ खाए और वो कह रहा है कि यार मेरा 25,000 रुपए का फोन तोड़ दिया, गरीब आदमी का 25,000 रुपए का फोन तोड़ दिया जो उसके मालिक का था, वो कहां से रुपए देगा। और ये चीजें यही नहीं रुकती, यहां पर पुलिस भी खड़ी थी, ट्रैफिक पुलिस भी थी, चलो ट्रैफिक पुलिस तो वहां पर हाथ नहीं लगाई क्योंकि लड़की का जो है वो मामला आ जाता है यहां पर, लेकिन जब इसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया यहां पर इसी इंसान से यानी शहादत अली से 10,000 रुपए ले लिए गए। यहां पर इसका भाई जो आया गया उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया गया जब इसे छुड़ाने आया था, और लड़की को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया गया, भुगतेगा कौन, ये इंसान भुगत रहा है। और ये जो फेक फेमिनिस्ट लड़की है वो केवल शहादत अली को या फिर ये जो कैब ड्राइवर है इसको मारने से मतलब इसको इतनी खुशी नहीं हुई कि यार एक को मारा, नहीं नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। यहां पर जब एक इंसान एक व्यक्ति आता है एक आदमी आता है इन दोनों को छुड़ाने के लिए अलग करने के लिए, ये उसके ऊपर भी चढ़ जाती है, उसके साथ भी वो बदतमीजी करने लग जाती है, वो तो उसने एक धर के दिया था मतलब वहां।
मत पढ़ो अभी फालतू पागल है क्या? ठीक थोड़े दिन पहले ऐसा हाल हुआ था जोमेटो के डिलीवरी बॉय के साथ, जहां पर वो डिलीवरी देने जाता है लेकिन एक फेक फेमिनिस्ट लड़की अपने लड़की होने का मतलब विक्टिम कार्ड वहां खेली, और जब वहां पर उसने जब वो फोटो डाली, मुझे अच्छे से पता है कि जब ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ था, ये मामला भी ट्विटर के कारण ही जो है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, वायरल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल होने लगा, तब जाके यहाँ पर इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। और सेम टू सेम जो ये जोमेटो बॉय के साथ हुआ था वो भी ये मतलब जो ट्विटर पर काफी वायरल होने के बाद एक्चुअल सच्चाई पता चलती है कि गलती जो थी वो लड़की की थी, क्योंकि ये भाई साहब उसको फ्री खाना खाना था और फ्री खाना उसको दिया नहीं जा रहा था, इसलिए उस लड़के के ऊपर वो चिल्लाने लगी, उसे मारने लगी और अपनी वो नाक पे जो खून आया था उसकी फोटो उसने ट्विटर पे डाल दी कि देखो यार ये होता है जोमेटो का, और वहां पर फेक फेमिनिज्म स्टार्ट हो जाता है, आ जाती है लड़कियां यहां पर और ये चीज गलत होगी उसको बाहर निकालो, और इवन उस लड़के की जॉब चली गई थी। अब यहां पर ये तो शुक्र है इस मामले में यहां पर जो ये शहादत अली है जिनकी कैब जो गाड़ी चलाते हैं, यहां पर इनके मालिक आते हैं, वो एफआईआर दर्ज कराते हैं इस लड़की के खिलाफ कि भाई साहब इसको करो, इसको सही करो। और एक बार आप ना इसका अपोजिट करके देखिए, जहां पर ये लड़की मार रही है यहां पर लड़का रखी है, और जो मार खा रहा है वहां पर लड़के की जगह लड़की रखी है, मतलब मामला आप यहां पर देखिए, लड़के के चितरे चितरे उड़ा देंगे जितनी वो पब्लिक है, और जो वे फेक फेमिनिस्ट है वो आके मतलब उसको उसका हिस्सा भी किसी के हिस्से में नहीं आएगा, तो इतना इतना मतलब लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसको मारने के लिए। खैर एफआईआर दर्ज होगी इस लड़के के खिलाफ ऐसा सुनने में आया है, पता नहीं हुई है नहीं हुई है अभी कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ भाई जब वहां पर आए हैं इनके मालिक जो शहादत अली के मालिक वो कह रहे हैं कि हाँ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी इसके खिलाफ जो है, अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आने वाले टाइम में। लेकिन जितना जो हमारे देश में कानून है कि भाई इस लड़की को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया जुर्माना या 1 महीने की मतलब जेल हो सकती है, बस इतना ही है, मतलब मजाक चल रहा है, ये सच में मजाक चल रहा है, एक लड़के की मतलब पब्लिकली वो मार खाएगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, गरीब आदमी की सच में लिटरली कोई इज्जत नहीं होती, वो मेहनत करके कमा के खाने की कोशिश कर रहा है, नहीं भाई आपको कोई हक नहीं बनता, आप मेहनत करके कमाएं, आप गरीब हैं आपको मतलब सहना पड़ेगा। और सच में आप ये वीडियो देखेंगे ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आया था स्टार्टिंग में जब मैंने इस वीडियो को देखा था, लिटरली बहुत गुस्सा आया था कि कैसे इस इंसान को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है ये कहने के लिए। और ये तो शुक्र है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो बाहर आने लगी, लेकिन केवल इस वीडियो के माध्यम से तो पता भी नहीं चलता, और वीडियो के थ्रू आप देखेंगे जहां पर सीसीटीवी फुटेज है कि भी लड़की की जो है वो इस लड़के ने ब्रेक मारे हैं, कोई भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, इवन टच भी नहीं की, फिर भी ये बोल रही है मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई है, मतलब वो तो छोड़ो यार, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।